हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। विज्ञापन संख्या है 3/2023। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है ऑर्डिनरी और ऑफिस पीएन के 34 पद, ग्रुप 4 के 44 पद और माली के 10 पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास संबंधित विषय में होना चाहिए, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं, उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ₹300 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मई 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला। पदों का विवरण है वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से विभिन्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जिस विभाग में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो हैं स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के 4 पद, स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस के 3 पद, स्कूल ऑफ बायोसाइंसिस के लिए 4 पद, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसिस के लिए 3 पद, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए 3 पद, स्कूल ऑफ डाटा एनालिसिस के 6 पद, स्कूल ऑफ एनर्जी मटेरियल्स के 8 पद, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के 6 पद और स्कूल ऑफ इंडियन लीगल थॉट्स के लिए 12 पद आरक्षित किए गए हैं और इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु इन पदों हेतु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा की विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹500 और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को ₹1,000 आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार आवेदन बाय हैंड जाके ऑफिस में अपने
आवेदन पत्र को जमा करवा सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 रहेगी। इन पदों के लिए साक्षात्कार 24 से 28 अप्रैल 2023 और 2 से 3 मई 2023 के बीच में पदों के अनुसार विभिन्न तिथियों साक्षात्कार लिए जाएंगे। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।